ये तीन गलती करते हो जिसके वजह से आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आता। अगर आप चाहते हो तीन गलती सही करके आपके वीडियो पर भर भर के व्यूज ले सकते हो, लेकिन अगर आप ये तीन गलती सही नहीं करोगे तो आपका चैनल को डेड होने से कोई रोक नहीं सकता। और ये तीन मिस्टेक क्या है जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है यूट्यूब का एल्गोरिथम। ये जो यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, चलो मान लेते हैं आप बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हो, आप बहुत ही मेहनत करते हो आपके वीडियो पर, 100 से ज्यादा वीडियो आपने अपलोड कर लिए, 1000 से ज्यादा भी आपका सब्सक्राइबर हो चुका है। तो मान लो अभी एक वीडियो अपलोड किया तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम फर्स्ट 1 आवर पे आपके ही 250 सब्सक्राइबर को उनका यूट्यूब का होम पेज के अंदर आपका ही वीडियो दिखाएगा। तो वहाँ पे 10 लोग आपका वीडियो वॉच किए और 240 लोगों ने आपका वीडियो नहीं देखा। इसके बाद नेक्स्ट 1 आवर पे आपके ही 300 सब्सक्राइबर के होम पेज के अंदर आपका ही वीडियो दिखाएगा। तो वहाँ पे 20 लोगों ने आपका वीडियो देखा और 280 लोगों ने नहीं देखा। दोस्तों ध्यान से सुना वीडियो को, नहीं तो कभी भी आपका व्यूज डाउन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चलते टॉपिक पर। तो यहाँ पे YouTube फर्स्ट 2 घंटे पे 250 प्लस 300 इक्वल 550 इंप्रेशन दे चुका है और ये 550 इंप्रेशन से आपका टोटल व्यू आया 10 प्लस 20 इक्वल 30, मतलब 30 व्यू आपको मिला है। इसका मतलब आपके CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट 3.1 और ये फर्स्ट 1 आवर CTR जितना हाई होगा उतने ही ज्यादा चांसेस है आपके वीडियो पर व्यूज आना। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है क्यों इतना CTR कम होता है और आपके ही सब्सक्राइबर आपके वीडियो क्यों नहीं देखा। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ बार बार हो रहा है तो आप समझ जाना ये तीन मिस्टेक कर रहे हो जिसके वजह से आपके व्यूज कम हो रहा है, आपके CTR कम हो रहा है। और ये तीन मिस्टेक आप सही भी कर सकते हो। मिस्टेक नंबर 1, सब फॉर सब। एक ऐसा गलती हर न्यू यूट्यूबर करता है क्योंकि हम लोग सोचते हैं यूट्यूब चैनल को जितना जल्दी मोनेटाइज करके पैसा कमाएंगे, बट रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है एक न्यू यूट्यूबर के लिए, क्योंकि सब फॉर सब से आप सब्सक्राइबर तो बढ़ा लोगे लेकिन आपके सब्सक्राइबर आपका वीडियो कभी भी नहीं देखेगा और ओरिजिनल व्यू भी नहीं होगा। ये सिर्फ देखने में अच्छा लगेगा ना, कभी भी आपका वीडियो देखेगा और आपका वीडियो पर कभी भी व्यू नहीं आएगा, क्योंकि यूट्यूब को थोड़ी ना पता ये आपका फेक सब्सक्राइबर। तो आप वीडियो अपलोड करते हो यूट्यूब इंप्रेशन भेजता है और आपका ऑडियंस आपका वीडियो कभी भी नहीं देखता है, और नहीं तो कभी भी कोई भी ऑडियंस आपका वीडियो देख भी लेता है तो 1 से 2 मिनट से ज्यादा कभी भी नहीं देखेगा, जिसके वजह से आपका चैनल पे बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। तो आपके चैनल का जो इंप्रेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता डेड हो जाता है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम सोचता है आपके वीडियो पर दम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है आपके वीडियो पर, जिसके वजह से ऑडियंस बीच में छोड़ के चला जा रहा है। आपके सब्सक्राइबर को अच्छा नहीं लग रहा है आपका वीडियो आपका कंटेंट। तो आपको बोलता हूं अगर आप आपके चैनल को डेट होने से बचाना चाहते हो तो सब फॉर सब करना छोड़ दो, इसको बंद कर दो। मिस्टेक नंबर 2, थंबनेल। आपके वीडियो का जो थंबनेल होता है वो क्लिक थ्रू होना चाहिए। अगर आपका थंबनेल सही नहीं होगा तो आपके वीडियो पर कभी भी व्यूज नहीं आएगा, क्योंकि आपके वीडियो देखने से पहले लोग आपका वीडियो का थंबनेल देखता है। अगर वही सही नहीं होगा तो आपके वीडियो पर कोई क्लिक नहीं करेगा, कोई भी क्लिक नहीं करेगा, और क्लिक नहीं करेगा तो व्यूज नहीं आएगा। तो आपको आपके वीडियो का जो थंबनेल है वो सही से बनाना होगा, मतलब क्लिक थ्रू होना चाहिए। अब जितने वीडियो बनाने में टाइम देते हो उतना ही टाइम दो आपके वीडियो का थंबनेल बनाने में। वीडियो बनाने से पहले आप अपना वीडियो का थंबनेल बना लो और ऐसा थंबनेल बनाओ आपके व्यूअर के पास जब आपका वीडियो जाएगा वो रुक जाएगा, वो क्लिक भी करेगा, ऐसा थंबनेल क्रिएट करो। और ये करने में मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड टाइम लगता है, और ये 3 से 4 सेकंड के टाइम के अंदर और उन लोगों का ब्रेन हजार हजार टेक्स्ट तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन वही 4 सेकंड के अंदर एक वीडियो रिलेटेड फोटो 2-3-4 मीनिंगफुल वर्ड टेक्स्ट पढ़ सकता है, और उसके अंदर क्यूरियोसिटी और एंटरटेनमेंट इमोशनल आता है तो उसको क्लिक करना ही पड़ेगा। तो थंबनेल जब आप बनाओगे आपको ध्यान में रखना है आपको वीडियो रिलेटेड थंबनेल बनाना है और वीडियो रिलेटेड मीनिंगफुल वर्ड दे देना है आपको, ज्यादा लिखना भी जरूरत नहीं है। जब आपको वही थंबनेल ऑडियंस देखेगा उनको समझ जाए आपका वीडियो किस रिलेटेड है। थर्ड कॉमन मिस्टेक, टाइटल। आपके ही वीडियो का टाइटल ही आपके वीडियो का 50 से 60 व्यू लेके आता है। अगर आप सही से टाइटल नहीं लगाओगे तो आपका वीडियो कभी भी वायरल नहीं होगा। थंबनेल रिलेटेड कोई भी टाइटल लगाओ। तो यहाँ पे मिस्टेक कैसे सुधरे, आपके थंबनेल रिलेटेड आपके वीडियो का टाइटल होना चाहिए और आपको ऐसा टाइटल क्रिएट करना है यूट्यूब पर वही टॉपिक के ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं और ऐसा टाइटल आपको यूट्यूब खुद दे देता है। तो आपको क्या करना है, आपका यूट्यूब ऐप को ओपन करना है, देन सर्च बॉक्स पे आपको आ जाना है। अब जिस रिलेटेड वीडियो बनाए हो वही टॉपिक को यहाँ पे सर्च करो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्यूज डाउन, यहाँ पे देखो पूरा लिस्ट आ गया YouTube पर लोग क्या लिख के सर्च करता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को कॉपी करके आपके वीडियो का टाइटल दे देना है। दोस्तों यही था 3 मिस्टेक जिसके वजह से आपका व्यूज डाउन होता है। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं वही टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपको दे दूंगा, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए ऐसे रिलेटेड वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो आज के वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।